Hello everyone, Punjab and Haryana High Court Clerk exams welcomes you all. Guys, अगर जैसे कई मैंने कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लिखा आ रहा है कि सिलेबस के बारे में नहीं पता, इंग्लिश में क्या है, हिंदी में क्या है. गाइज, मैंने सिलेबस तो उसके अंदर डाल रखा है, ठीक है. फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस सिलेबस को कैसे फॉलो किया जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहेगी कि आप प्रीवियस एग्ज़ाम को फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ हर कोई पेपर सेट करने वाला होता है ना. जो अगर वो पेपर सेट करने वाला दो टाइप का होता है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है. वो एक्टिव जो बंदा होगा, पेपर थोड़ा सा ना वो टफ बनाने की कोशिश करता है एक्टिव, और जो पैसिव वाला होता है वो पिछले पेपर से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है. तो ये दो टाइप के होते हैं, तो बेसिकली हमें प्रिपेयर दोनों के लिए रहना है, ठीक है. तो मैं आपको इसलिए इसका ओवरव्यू दिखाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा आता है, ठीक है. जैसे कि अभी आप ये मेरी स्क्रीन को पढ़ पा रहे होंगे, इस पे देख सकते हैं आप कि जो हाई कोर्ट जो ये 26/3/2017 को हुआ था एग्ज़ाम, इसके अंदर आपने देखा है ये जो पेपर है इसमें ओनली जीएस के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे. एक दो कोई होगा वन वर्ड वगैरह इंग्लिश का आगे हो गया, लेकिन मोस्टली इसके अंदर जीएस के क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है. तो गाइज, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार चैनल को, ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है. इसीलिए मैं आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है. प्लीज़ यार, अगर कोई भी इश्यू है, कोई भी एरर लगता है, कुछ भी गलती होती है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं यार, मोस्ट वेलकम, ठीक है. गलतियाँ इंसानों से होती हैं, आप बताइए उसको करेक्ट किया जाएगा, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं इससे. सबसे पहला आता है हमारा, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ रिवर रवि, ठीक है गाइज. तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपके ये रिवर्स के जो पुराने नाम हैं, ये आप सभी याद कर लो, ठीक है. इसमें पुरुषनी का मतलब जो प्राचीन समय में जो नदी होती थी उसको इन्होंने पुरुषनी नाम दिया हुआ है, ठीक है. आप इसको याद रखेंगे. अगर ये पूछा जाता अगर आपसे कि बताइए कि इंडस जो नदी है उसको क्या बोला जाता है, पहले क्या नाम था उसका, उसका सिंधु नाम था, ठीक है. जो झेलम नदी है अभी, उसको पहले क्या बोलते थे, विटास्ता बोलते थे उसको, ठीक है. जो चेनब नदी है उसको पहले उसको क्या बोलते थे, ऋग्वेद के नाम है सभी, ठीक है. उसको बोलते थे असिकनी, ठीक है. रवि का जैसे क्वेश्चन है हमारा परुषनी, ठीक है. ब्यास नदी को पहले क्या बोलते थे, विपासा. सतलुज नदी को बोलते थे सतुद्री. गोमती नदी को उस टाइम पे बोलते थे गोमाल. सरस्वती को बोलते थे सारस्वती. घग्गर को बोलते थे परिषदावती, ठीक है. तो ये कुछ रिवर्स हैं, आप नेट पे मिल जाएंगे सारा कंटेंट आपको, ठीक है. वहाँ से ये आप जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. स्टैटिक जीके का पार्ट है बेसिकली, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अब आता है हमारा इन्फ्लेशन इम्प्लाइज मुद्रा स्फीति. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दो होते हैं टर्म्स, ठीक है. इन्फ्लेशन का मतलब होता है पैसे में उछाल, और डिफ्लेशन का मतलब होता है पैसे में गिरावट. पैसे में उछाल है तो क्या होगा, राइज इन प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है. सामान की जो प्रोडक्ट की गुड्स की वस्तुओं की जो प्राइस है उनकी, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. थर्ड पे आते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय, स्टैटिक है. इसको डगलस एंगलबर्ट ने इसको बिल्ड किया था, इसका फर्स्ट कंप्यूटर माउस को, ठीक है. इसी स्टैटिक है, याद रखिए. फिर चलते हैं फोर्थ पे. ये देखिए गाइस, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन, ठीक है. कॉपर ऑलवेज, ठीक है. ये बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा अभी. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको ज़्यादा ना डिस्क्राइब करते हुए. आफ्टर वीरेंद्र सहवाग हु, मतलब गाइज ये है 2017 का पेपर, ठीक है. तो ये उस टाइम की इन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन अब आप इसको मत पढ़ें, ठीक है. इसको बस ये देखें कि इस पेपर में क्रिकेट के जो कोई करंट इवेंट रहा होगा, क्रिकेट का कुछ ऐसा मेन रहा होगा, तो ही इसको उठाया गया, ठीक है. ये देख लीजिए आप, आफ्टर वीरेंद्र सहवाग हु इज़ द ओनली क्रिकेटर टू हैव स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है. करुण नेगर, ठीक है. अब सिक्स आता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. पोल स्टार, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक जीके पार्ट, ओके गाइज. तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, खाली आपको आंसर पता हो कौन सा हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, पोल स्टार, ठीक है.
प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं और कॉन्स्टिलेशन भी हैं. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आयुर्वेदा और इट्स ओरिजिन. ठीक है गाइस, तो आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है कहाँ से है, कौन से वेद से, इन्होंने वेद की सेंस में पूछा हुआ वेदस. तो ठीक है, तो सबका आंसर क्या होगा इसमें, डी अर्थवेदा. ठीक है, नेक्स्ट पे. इन कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू कीबोर्ड. जैसे गाइस अपोजिट कीबोर्ड का अपोजिट कैसे है, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, ये इसका अपोजिट हो जाएगा. ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे. हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, जैक किल्बी. ठीक है, स्टैटिक जीके, नो इशू. फिर आता है हमारा टेंथ क्वेश्चन. इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच. प्रीच का मतलब होता है कि भक्ति का उपदेश देना. वो कहाँ पे दिया गया था, पाली नाम की एक जगह पे. पाली, पहले पाली लैंग्वेज में दिया गया था, जगह नहीं है, ये लैंग्वेज है. पाली नाम की एक जगह में दिया गया था, सॉरी लैंग्वेज में दिया गया था. इलेवेंथ देखते हैं. विच इज द होम ऑफ अल्फोंसो मैंगो. ठीक है गाइज, अल्फोंसो जो आम की जो क्या बोलते हैं, किस्म बोलते हैं, अल्फोंसो जो आम होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, रत्नागिरी में. रत्नागिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में. और जो रत्नागिरी के अल्फोंसो मैंगो हैं, अभी उनको रिसेंटली आई थिंक दिसंबर और जैन में इनको GI टैग मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन. इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड. भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनको बिना किसी, अनअपोज्ड बोलते हैं ना, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़े हुए, बिना किसी बहुमत के साथ बोलते हैं इसको. ठीक है, वो जो चुने गए थे वो कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी. फिर आता है हमारा 13th क्वेश्चन. द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज फोर ब्रेन. ठीक है गाइस, फोर्टीन आता है हमारा. द टर्म सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम. ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो सूफी टर्म है उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या कहाँ से ड्राइव हुई है. ठीक है, वो एक टाइप का क्या है, सूफी एक टाइप का गारमेंट है. ठीक है गाइस, कोई लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, एक टाइप का गारमेंट. When did the Right of Information Act come into force? जानने का अधिकार. ठीक है, तो यह लागू हुआ था सी ऑप्शन 2005 में. फिर आता है हमारा 16. Dog bite can cause rabies. Which of the following animals can do cause rabies? डॉग के बाइट करने से रेबीज जो होता है वो फैलता है. ठीक है, अब आपको ये बताया गया है कि कौन सा एक ऐसा एनिमल है जो सेम जो रेबीज उसके काटने से भी फैल सकता है. ठीक है, उसका होगा पैट, चमगादड़. ठीक है, अमीर खुसरो प्लेड ए मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ खड़ी बोली. अमीर खुसरो का जो महत्वपूर्ण योगदान किसके डेवलपमेंट उत्थान में रहा है, खड़ी बोली जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज रही है. ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी द स्मॉलेस्ट बोन इज फाउंड. बेसिकली गाइस, इस कान में सबसे छोटी हड्डी मिलती है उसको स्टेप बोलते हैं. सबसे बड़ी हड्डी जो होती है उसको फीमर बोलते हैं, जो कि हमारी थाई की हड्डी होती है. ठीक है, इसको हम छोटे और बड़े दोनों को याद रखेंगे. फिर आता है द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. यंगेस्ट है हमारी हिमालयस. और ये पूछा जाएगा कि आपको ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट बोलते हैं जो बिल्कुल प्राचीन है, वो कौन सी है, वो है अरावली. ठीक है, जो कि राजस्थान से टच है. नेक्स्ट चलते हैं. विच मुगल ट्राइड टू स्टॉप. सती प्रथा को किसने बंद करवाने की कोशिश की. ठीक है, मुगल किंग ने. कौन थे हमारे, अकबर. और ये अकबर गाइज अनपढ़ राजा थे. हु वॉज नोन एज द प्लाट ऑफ जाट ट्राइब. जाटों के अफलातून कौन से बोला जाता है, कौन से राजा को बोला जाता है, ये है सूरजमल जी को बोला जाता है. ठीक है, जो कि राजस्थान में. फिर आता है हमारा 22. सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा स्थान इंडिया में कौन सा है. सूखा इन द सेंस कि वहाँ पे एटमोस्फेरिक वो लगा लो आप, सूखा रहता है ज़्यादा, वो होता है हमारा जैसलमेर. ठीक है, ये भी राजस्थान में. जो जिला क्या होता है, एक दर्रा बोल सकते हैं इसको, जो पास करते हैं. ठीक है,
तो जो जिला कहाँ से होके गुजरते हैं, वो गुजरता है लेह और श्रीनगर से। ठीक है गाइस, तो एक और भी ऐसा पास होता है, उसको बोलते हैं कि दर्रा, दर्रा बोलते हैं ना उसको, एक दर्रा और भी पास होता है जो अगर वो आपसे पूछे जा सकता है कि नथुला दर्रा कहाँ से होता है। ठीक है, वो गाइस सिक्किम से चीन की तरफ, ठीक है, उसको बोलते हैं। वैसे इसका मेन जो बोलेंगे ना कि लोकेटेड कहाँ पे है, तो नथुला लोकेटेड है सिक्किम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू जूट, पटसन को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फेटर्निटी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच रिवोल्यूशन, दिस इज ऑल्सो स्टैटिक पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर इज ज्वाइंट सेकेंड एट प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ मैंस ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर इन द लंडन। देखिए गाइज, ये ना उस टाइम पे जो कोई टेनिस कोई हमारी हुई थी, जो ग्रैंड स्लैम हुई थी मैंस की, उस टाइम पे ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। ठीक है, जो अभी रिसेंटली अभी हो रही है, चल रही है, हुई है 2018 में हुई, प्लीज़ आप उसको एक बार गूगल से देख लीजिए। ठीक है, और इसका आंसर होगा हमारा ए, नोवाक जोकोविक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इन्जॉय द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, इसका हो जाएगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ओके गाइज, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की थी ब्लड ग्रुप्स के, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने ब्लड ग्रुप के टाइप बताए थे। ठीक है, उसको हम याद रखेंगे। द कलर ऑफ स्टार डिपेंड ऑन, ये जाहिर सी बात है टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ज़्यादा चमकते हुए दिखेंगे, अगर कम होगा तो फिर थोड़े दिखेंगे हमें। ठीक है, तो इसलिए उनका जो कलर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर क्या बोलते हैं, किसी पदार्थ की चौथी, फोर्थ स्टेट, चौथी स्टेज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। 31st, स्पेक्टिकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स, जो हम अभी हम मूवी में देखने जाते हैं, कई में तो स्पेशल आपको 3D गॉगल्स मिलते हैं, वो कौन से होते हैं, वो पोलराइड्स होते हैं, जो 3D व्यू के लिए देखे जाते हैं। ठीक है, अब आती है हमारी 32, द होली बुक ऑफ पारसीज इज, ठीक है, कौन सी है वो, जेंड अवेस्ता। ओके, अब ये देखिए, और मैं पहले आंसर से बता दूँ, लगान मूवी से पता लग रहा है। ए डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, द मूवी इज सेट इन विक्टोरियन पीरियड ऑफ ब्रिटिश राज एंड रिवॉल्व्स अराउंड द पीसेंट्स फ्रॉम ए बैरन विलेज हु आर अपोज्ड बाय हाई टैक्सेस इम्पोज बाय ब्रिटिश, द मूवी इज लगान। ठीक है, ये मूवीज के बेस पे बनाया गया, उस टाइम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, उन्होंने उठाया। 34th, वेयर इज द फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में, दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट कहाँ है दुनिया में, वो है कोचिन में हमारे इंडिया में। 35th, हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज अनअवार्डी ऑफ बोथ नोबल प्राइज एंड भारत रत्न, मतलब ये रेयर कॉम्बिनेशन है जिसको दो दो मिलते हैं, नोबल प्राइज एंड भारत रत्न, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट माना गया, तो ये ऑप्शन होगा सी, मदर टेरेसा। स्लमडॉग मिलीनियर, जो मूवी आई थी जिसमें अनिल कपूर जी थे, स्लमडॉग मिलीनियर फिल्म इज बेस्ड ऑन बुक क्वेश्चन एंड आंसर रिटन बाय, वो बुक किसने लिखी थी, विकास स्वरूप ने। गाइज, जो अभी बुक्स कुछ हाल ही में रिलीज हुई हैं, अगर आप बोलते हैं तो मैं बुक्स के ऊपर अलग से बना दूंगा, लेकिन एक साथ बुक पढ़ना ना, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, एक साथ अगर आप लगातार 10 बुक भी पढ़ ले तो ये उसका वो आपको बोर कर देते हैं। ठीक है, बीच बीच में ना 7-8 क्वेश्चन नॉर्मल पढ़ लिए, फिर एक क्वेश्चन बुक का उठा लिया, फिर 5-7 कोई और पढ़ लिए, फिर बुक का उठा लिया, ऐसे ना ज़्यादा तो याद हो जाएंगे और बोर भी नहीं हो गए। ठीक है गाइज, बाकी आपका जैसा माइंडसेट है वैसे कीजिए आप। अब आता है 37, टू हुम द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज एट्रीब्यूटेड, ये वही बात है, किसने लिखी है ये लाइन्स। ठीक है, ये कौन से हमारे जॉइन किड्स हैं। ठीक है, इन्होंने ये लिखी है बुक, इन्होंने लाइन लिखी है किसी बुक्स के अंदर। ठीक है, उसको इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है। 38 आता है हमारा, विच सीईओ ऑफ द वर्ल्ड बैंक
recently praised demonetization move of इंडियन गवर्नमेंट. अच्छा, इन्होंने क्या किया है, जो मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन जो मूव जो कदम उठाया था उसको इन्होंने क्या किया है, प्रेज्ड. प्रेज्ड का मतलब क्या होता है, प्रशंसा की है. ठीक है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया ने. ठीक है, तो 39 है तुम्हारा. हु वाज द फर्स्ट टेस्ट सेंचुरियन इन इंडियन क्रिकेट, जो फर्स्ट पूछा है ना गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, लाला अमरनाथ जी. 40, थॉमस कप इज रिलेटेड टू, और ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी कप वगैरह हैं, जो ग्रैंड स्लैम जो भी हैं, ये टाइटल्स हैं, इनको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा सा निकाल लीजिए, ज़्यादा टफ नहीं होता. थॉमस कप तो पता है सभी को, बैडमिंटन है. ठीक है, मूव ऑन टू 41, द हाइएस्ट टाइटल इन जूडो, ब्लैक बेल्ट ऑब्वियसली. द नेम ऑफ ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस रेफर टू द सेंटेनरी ऑफ, किसकी याद में शताब्दी एक्सप्रेस है वो चलाई गई है, वो है जवाहरलाल नेहरू जी की याद में. फिर आता है हमारा टॉकिंग, देखो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, एक टॉकिंग टू वन ऑन इटसेल्फ, अपने ही बारे में बातें करते रहने वाला को क्या बोलते हैं, सोलिलोक्वी. ठीक है, याद रखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वेल नोन एज एम्ब्रॉयडरी फॉर्म इफ, चिकन करी, चिकन करी एम्ब्रॉयडरी की जाती है. ठीक है, कौन सी जगह पे की जाती है, वो जगह कौन सी फेमस है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, आर के लक्ष्मण डाइड ऑन 26 जैन 2005, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है. ठीक है, लेकिन अभी जो भी कुछ डेथ्स हुई हैं या जो भी कुछ मिस हैपनिंग हुई हैं, आपको ये तो पता है इस बंदे से हुई है, लेकिन उसके फील्ड क्या थी, किस फील्ड से रिलेटेड थे वो, किसके लिए फेमस थे, इसको भी आप एक बार माइंड सेट करके देखेंगे. ठीक है, उसको याद रखेंगे. इसके हिसाब से यहाँ पे आंसर है हमारा उस टाइम का, कार्टूनिस्ट. ओके, चलिए 46 में देखते हैं. हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम देखा गया है. ठीक है, इसमें ये तो चलो अब तो ऑप्शन नहीं देखे. ठीक है, वैसे अदरवाइज उसमें कन्फ्यूज करने के लिए आपको काफ़ी ऐसे और भी ऑप्शन देते हैं. ठीक है, महात्मा गांधी ये वो करके कुछ अलग से देते हैं, अब तो सी वी रमन जी हैं, ऑब्वियस हैं, सबको बताइए. ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, तो गाइज ये देखिए, अभी आपको आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड है, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये गांधी जी ने लिखी थी ये बुक. ठीक है, लेकिन जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ऑटोबायोग्राफी ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखी है, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी. कम से कम चलो आपको ये तो पता लग गया है, तीन बुक इन्होंने लिखी हैं, इसका नहीं था तो चलो अब इसका पता लग गया कि ये नहीं है. ठीक है, इन तीन बुक्स को आप याद रखेंगे. ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट. एगमार्क का जो सिंबल होता है वो किस चीज़ की आपको गारंटी, गारंटी को क्या बोलते हैं, विश्वास दिलाता है, बिल्कुल क्वालिटी, मतलब जो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ है. एगमार्क का साइन है तो मतलब क्वालिटीज की बढ़िया मिलेगी. हु इज द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली प्रेजिडेंट है, ये होते हैं ये भी. ठीक है, प्रेजिडेंट ही होते हैं हर एक में, जो भी तीनों होते हैं ना हमारे, जल थल ठीक है और वायु, इन तीनों के सुप्रीम जो होते हैं कमांडर, वो प्रेजिडेंट जो होते हैं. ठीक है, 50, रेड डेटा बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, रेड का मतलब ये होता है कि डेंजर. ठीक है, तो रेड डेटा बुक उन्हीं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है, जो कि कुछ पेड़ कुछ जीव जो विलुप्त होने वाले होते हैं, जिनकी क्या बोलते हैं, जिनकी संख्या बिल्कुल बहुत ही कम रहती है. ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट, जो कि विलुप्त होने की कगार पे होते हैं. ठीक है गाइस, आपने क्वेश्चन देख लिए, प्रीवियस पेपर देख लिया, अब आपको खुद डिसाइड करना है आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. ठीक है, किसी बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली, तो प्लीज़ मुझे बताइए. ठीक है, टाइम निकाल के थोड़ा ही सही, लेकिन आपको मैं बताऊंगा डेफिनेटली. ठीक है गाइज, ओके गाइज, मेरा भी अभी टाइम हो गया पढ़ने का. ठीक है, मिलता हूँ लेटर. ठीक है, बाय.